आजादी में हमें पाना है, देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है। सरदार पटेल को ऐसे ही लौह पुरुष की उपाधि नहीं मिली, वे अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, समर्पण और हिम्मत के साथ पूरा करते थे। सन 1909 का वाक्य है, वो कोर्ट में केस लड़ रहे थे, उस समय उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का तार मिला, लेकिन उन्होंने 2 घंटे तक बहस जारी रखी और केस जीत लिया। जब लोगों ने इस बारे में पूछा तो सरदार पटेल ने कहा कि उस समय मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क भी मुवक्किल ने न्याय के लिए मुझे दिया था, मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता था। ऐसी कर्तव्य प्रायणता और शेर जैसी कलेजे की मिसाल इतिहास में विरले ही मिलती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी सियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाने का श्रेय जरूर जाता है, लेकिन इस महामानव का कद इससे कई गुना ऊंचा था। विरोधी दलों ने सवाल उठाए हैं कि आज जब देश की बहुसंख्यक आबादी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए परेशान है, ऐसे में करीब 2,989 करोड़ रुपए खर्च करके इस अनुकरणीय महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं कही जा सकती। पहली जरूरत है उनके विचारों और कृत्यों को जन जन तक फैलाने की, जो देश में कई सरदार पैदा करते। सरदार पटेल ने स्कूली दिनों में ही बता दिया था कि वे अन्याय नहीं सह सकते। अध्यापकों के पुस्तक व्यापार के खिलाफ आंदोलन करते हुए छात्रों को जबरन किताब बेचने की प्रथा से मुक्ति दिलवाई। सरदार का दर्शन देश की एकजुटता में निहित थी। जरूरत है राष्ट्रीय चरित्र की मजबूती की, जिसमें वैमनस्यता खत्म हो और भाईचारा बना रहे, और यही सच्ची श्रद्धांजलि सरदार पटेल के लिए होगी। आज जब भ्रष्टाचार की जड़ें कलंकित कर रही हैं और देश की नींव को खोखला कर रही हैं, तो ऐसे में लोगों को उस लौह पुरुष से सीख लेनी चाहिए जिसके पास खुद का मकान भी नहीं था। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ, तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपए मौजूद थे। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में मिला दिया गया। कहा यह भी जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। भव्य सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना।